Why do we not talk about sex and sexual education to our children? The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. क्यों हम बच्चों से सेक्स या सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं? क्यों हम डरते हैं? इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो कई लोगों के पास कई तर्क हैं। सबसे बड़ा तर्क लोगों का आता है कि ये बात करना ही बुरी है। सेक्स एजुकेशन इज नॉट फॉर माय चाइल्ड, इट इज ऑब्सीन एंड इट टीचेस आवर चिल्ड्रन टू हैव सेक्स एट एन अर्ली एज। बात करोगे तो बच्चे जल्दी सेक्सुअल हो जाएंगे, ये सरासर गलत है। सेक्सुअल एजुकेशन ये नहीं सिखाता बच्चों के कि सेक्स जल्दी कैसे करना है। यहाँ ये बताया जाता है कि फिजियोलॉजिकली, सोशली और बायोलॉजिकली सेक्स का कहाँ रोल है और हेल्दी सेक्स का क्या मतलब है, फ्यूचर में उनको सेक्स करना है उसका क्या मतलब है। ऑब्वियस सी बात है, उनका मन जरूर करेगा, वो आप बताओ चाहे नहीं बताओ उनका मन वैसे ही करेगा। अगर आप उनसे ओपन रहोगे तो वो फिजिकल एक्ट जो वो करें उसके खतरों से समझेंगे कि उसके क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। उनको जेंडर आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम है, उनको फिजिकल चेंजेस से कोई प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले समझना जरूरी है, कंसेंट क्या होता है, अवेयरनेस क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, बर्थ कंट्रोल मेजर क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होता है, ये एक टीनेज पर्सन को पता होना चाहिए। छोटे बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बहुत जरूरी है अवेयरनेस, और टीनेज ग्रुप में टीनेजर को एसटीडीज, बर्थ कंट्रोल और सेक्सुअल क्यूरियोसिटीज, कंसेंट, फिजिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगर हम बैन कर देंगे सेक्स एजुकेशन तो हमारे बच्चों को कभी पता ही नहीं चलेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एब्सोल्युटली रबिश। चिल्ड्रन हैव नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स, वो आपको पता ही है। छोटे बच्चे को अगर पैदा होने के बाद भी नंगा रख दोगे तो वो नीचे हाथ लगाता रहेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हाथ लगाता रहता है, उसको क्यूरियोसिटी है ये क्या है, उसको पता है ये, उसको सोचना है ये क्या है, क्यों है, राइट। सो यू हैव टू टॉक टू देम एट सर्टन एज, रिलेवेंट एज में आप ही को बात करनी पड़ेगी। अगर आप डिनाई करोगे कि उनको सही साइंटिफिक लॉजिकल नॉलेज नहीं दोगे तो वो कहीं और से लेंगे, अपने फ्रेंड से, मूवीज से, और उल्टे सीधे कंसेप्ट से, पॉर्न मूवीज से, मिसकंसेप्शन से, आधी बातें, हाफ बेक ट्रुथ लेके डेंजरस कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उल्टे सीधे ट्रस्ट करेंगे सोर्सेस को, तो उल्टे सीधे अपने सोच भी उनकी उल्टी सीधी होगी। फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं क्या, लोग सोचते हैं पॉर्न मूवीज देखेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे क्या, मैस्ट्रुबेशन करते हैं तो मेरी आगे मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने इतना सारा मैस्ट्रुबेशन कर लिया मैं तो पागल हो गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। पीपल बिकम सैड, राइट, स्लीपिंग ऑन द सेम बेड विल कॉज प्रेगनेंसी और वॉट, है ना, ग्राइंडिंग विल कॉज, हगिंग विल कॉज प्रेगनेंसी और वॉट, अगर हम ओरल सेक्स में सॉलो कर लिया तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी, पीपल डोंट नो अबाउट, बच्चों को नहीं पता, कई एडल्ट्स को भी नहीं पता होगा, शर्म की बात है, बट देन क्या करें, नो सेक्स एजुकेशन इन इंडिया, नो प्रॉपर रीच ही नहीं है। फिर लोग बोलते हैं सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्ट के लिए है, वो बाहर की कंट्रीज के लिए है जहां पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे जो है सेक्स में घुस जाते हैं, चाइल्ड अब्यूज होता है, टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं, वहां पर मॉरल वैल्यूज, हमारे पास मॉरल वैल्यूज है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास ट्रेडिशन है, हमारे को इस चीज की जरूरत नहीं। वी डू इट, वी डू नीड इट भाई साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ही नहीं है, वन ऑफ द हाइएस्ट रेट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी भी इंडिया की है, सेक्सुअल डिजीजेस की हाईएस्ट रेट भी इंडिया की है, और सेक्सुअल अब्यूज का शॉकिंगली हाईएस्ट रेट है बच्चों में, मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा, याद रखिए लीडिंग कॉज है यहां पर। 53% माना जाता है बच्चे इंडिया के अंदर, शॉकिंग, 53% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 12 हैव बीन सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन देयर लाइफ, दैट इज वेरी सैड। लोगों को लगता है सेक्स इज एन एडल्ट टॉपिक, सिर्फ एडल्ट शुड लर्न अबाउट इट आफ्टर मैरिज,
मैरिज से पहले नहीं पता होना चाहिए. वेरी यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी करप्टेड विद सेक्सुअल एजुकेशन. एब्सोल्यूट रबिश, एब्सोल्यूट रबिश. चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, बच्चे उल्टा सोच रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दूसरे एक दूसरे से मिल रहे हैं, लड़का लड़की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सेक्स एजुकेशन क्या है. डू यू थिंक दिस इज गुड? इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, राइट? द कल्चर ऑफ साइलेंस या शेम अराउंड दिस सेक्सुअल इश्यूज इज रॉन्ग, राइट? इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा. बच्चों को सेक्स के बारे में समझाना ना सिर्फ उनके लिए जरूरी है, ये एक बीमारियों को रोकने के लिए भी जरूरी है. अनहाइजीनिक समझ, अनहाइजीनिक कंडीशंस को बच्चों, अगर फीमेल को नहीं समझाओगे कि उनके मेंसेस कैसे होते हैं, मेंसेस में कैसे ख्याल रखना है, तो वो कैसे अपना ख्याल रखेंगे, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीनेज उम्र में शादी कर देंगे तो टीनेज उम्र में प्रेगनेंसी होने लगेगी. इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा टीनेज प्रेगनेंसी है कि पूछो. एंड दैट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड अबाउट. दैट इज समथिंग विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ना उनकी बॉडी पूरी तरह से तैयार होती है, ना उनका माइंड पूरा तरह से तैयार होता है एक बच्चे को संभालने के लिए, राइट? सो यहां तक के यू नो बर्थ कंट्रोल, सेक्सुअल कॉन्ट्रासेप्शन, राइट, बॉडी फंक्शंस, इसके बारे में पता ही नहीं है. लड़का लड़की कैसे पैदा करना है उसके कॉन्सेप्ट चलते हैं, ऐसा करोगे तो लड़का होगा, ऐसा करोगे तो लड़की होगा, ये काम करिए, नुस्खा ये नुस्खी, उनको पता ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है. फीमेल पे प्रेशर है, एक बार लड़की, दो बार लड़की, तीन बार लड़की, चार बार लड़की, वाइफ चेंज. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सीरियस सीरियस प्रॉब्लम्स आर देयर इन इंडिया, राइट? दैट इज सो रॉन्ग. सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम, होमोसेक्सुअलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पीपल डो नॉट एक्सेप्ट इट, डो नॉट टॉक अबाउट इट. चिल्ड्रन, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है जब तक पूछोगे नहीं पता कैसे चलेगा. बच्चों के दिमाग में आपने सही बात नहीं डाली तो किसी ने गलत डाल दी. आपको देखना पड़ेगा कि आप बचपन से उनसे बात कर रहे हो, उनका इंटरेस्ट कहां जा रहा है. इफ यू डोंट टॉक अबाउट इट देन समबडी विल. आप नहीं सिखाओगे तो उसको कोई ना कोई तो सिखा ही देगा कि क्या करना है, कैसे ना करना है. सो डू यू रियली वॉन्ट समबडी एल्स टू टीच योर चाइल्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? एंड देन यू से यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, राइट? सो इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. फिर कोई वो बोलते हैं सेक्सुअल एजुकेशन का कोई फायदा तो है नहीं, राइट? हमारे बच्चे संस्कारी है. देखिए मेडिकल बेनिफिट भी है उसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कम होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी एचआईवी जैसी एड्स बीमारी हो या दूसरी कोई बीमारी हो. 50% ऑफ गर्ल्स जो इंडिया के अंदर रह रही है, 50% ऑफ गर्ल्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नॉलेज नहीं होता है कि कैसे हो सकती हैं और क्या उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन है या नॉर्मल नॉर्मल फ्लो है, नहीं पता है. दे डोंट नो अबाउट इट एंड दे डोंट गेट अ प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो जो बताएं. इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. अनसेफ प्रॉब्लम्स, प्लान्ड प्रेगनेंसी का कुछ हिसाब किताब नहीं है. टीनेज प्रेगनेंसी, अनमैरिड प्रेगनेंसी, अनसेफ एबॉर्शंस, मिसकैरेज, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज, इन सब से गुजरेंगी अगर छोटी छोटी बच्चे तो आगे चल के उनकी लाइफ कैसी रहेगी आप बताओ. सो अगर इन सब के बारे में उनको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा. हाफ बेक्ड इनकरेक्ट नॉलेज अबाउट सेक्स इज डेंजरस, राइट? सो द आंसर इज, वुड यू लाइक योर चिल्ड्रन टू बी अनअवेयर्ड इंस्टेड ऑफ इनेबलिंग देम टू मेक राइट चॉइसेस एंड लिव सेफर, हेल्थियर, हैप्पीली एवर अबाउट दिस? The choice is yours. You have to talk to them. बात आपको शुरू करनी है. अगर आप ही को नहीं पता तो डॉक्टर से, टीचर से या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो सेक्स एजुकेशन करते हैं उनसे बात करें. लेकिन ये नॉलेज बच्चों को उम्र के अनुसार मिलती रहनी चाहिए. हर बच्चे की जिज्ञासा 4-5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है. उसकी जिज्ञासा के बारे में आपको बात करनी है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में जो भी चल रहा है उसको आपको सुलझाना है. यह होना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज यू, नॉट एनीबडी एल्स. द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल. दैट्स द ओनली आंसर. सो फाइनली बात करो ना, इस टॉपिक पे बात करो ना.